आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश के आज के मुख्य समाचार पर। आपके समक्ष दिन का पहला समाचार ये रहा। 8 ग्रुप्स में बांटे गए पीएम नरेंद्र मोदी के 77 मिनिस्टर्स, केंद्र सरकार के कामकाज में सुधार के लिए नया कदम। अगला समाचार, प्रणाली जलाने के केंद्र सरकार के डेटा पर सुप्रीम कोर्ट को दो टोक। अभी खबर आ रही है कि हैदरपुरा श्रीनगर में जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मार गिराया। समाचार, रंग लाया पीएम मोदी का प्रयास, कनाडा से 100 साल बाद लौटी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। पांचवा एम समाचार, कल से शुरू होने जा रहा है सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम। अब दर्शकों चलिए आइए इन समाचारों को थोड़ा विस्तार से सुन लेते हैं। समाचार बताते चले, मंत्रिपरिषद की बैठकों के बाद सरकार में कामकाज गति लाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए गए। सभी 77 मंत्रियों को 8 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। ये कदम सरकार के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए किया गया। समाचार, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजधानी में गंभीर प्रदूषण में प्रणाली जलाने से होने वाले धुएं का योगदान केवल 10% है। कश्मीर से अभी कुछ समय पहले की बड़ी खबर, श्रीनगर के हैदरपुरा में जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मार गिराया गया। मारे गए आतंकी की अभी पहचान होना बाकी है। इसके साथ चौथा समाचार, आज का दिन वाराणसी और मां अन्नपूर्णा के भक्तों के लिए बहुत खास है। आज काशी में मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति 100 साल बाद एक बार फिर प्रस्थापित होगी। पांचवा समाचार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई की 12वीं क्लास की एग्जाम कल से शुरू होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 12वीं के टर्म 1 एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं और दूसरी ओर 10वीं क्लास की जो टर्म 1 एग्जाम है वे 17 नवंबर से शुरू होंगे। एक नजर चलिए आइए जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरों की ओर डालते हैं। जम्मू कश्मीर से दिन की पहली खबर आपके लिए ये रही। राज्य ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा की मनाई जयंती। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस कार्यक्रम में थे मौजूद। इसी खबर आपके लिए, महबूबा मुफ्ती ने बिश्ना हरिसपुरा का दौरा कर वर्कर्स से की मुलाकात। महबूबा मुफ्ती के स्वागत में जगह जगह कार्यक्रम किए थे आयोजित। इसी खबर बताते चले, प्रदेश में एग्रीकल्चरल लैंड के संबंध में जारी होगी नई गाइडलाइंस। नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए अन्य राज्य के नियमों का किया जाएगा अध्ययन। जानकारी देते चले, गूगल ने वाहिद पारा केस में पुलिस से मांगी और जानकारी। पारा के मोबाइल से जुड़े व्हाट्सएप चैट्स और आदि डाटा मुहैया करवाने के किया आग्रह। छठी खबर, सब इंस्पेक्टर भर्ती में एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर युवाओं का प्रदर्शन जारी। भर्ती में 5 साल की रिलैक्सेशन देने की है मांग। इसी साथ सातवीं खबर बताते चले, उपराज्यपाल ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत बैंक अधिकारियों व सचिवों के साथ की बैठक। मीटिंग में 2 लाख फाइनेंसिंग एंड डिस्पोजमेंट के मामलों का लक्ष्य किया गया निर्धारित। कश्मीर घाटी में कारोबार बढ़ने के संकेत में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई यातायात अक्टूबर में दुगुना से अधिक हो गया है, जिससे फ्लाइट और पैसेंजर्स की संख्या बढ़ रही है। जानकारी देते, सेना ने पीर पांचल रेंज में सुरक्षा व्यवस्था को किया सख्त। बल बढ़ते ही आतंकवादी घुसपैठ की घटनाओं की बढ़ोतरी की आशंका। जम्मू कश्मीर से दिन की आखिरी खबर आप सबके लिए, श्रीनगर के नवलकाडन में पुलिस पार्टी पर हुए हमले में पुलिसकर्मी घायल। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ये था आपके समक्ष जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें यानी दिन भर के टॉप 10 हेडलाइंस जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े हाइलाइट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहाँ पर और है, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें। इस ग्रुप का लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट करें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।